Hello students, welcome back to another video of class 7th of geography subject. Today I am going over a brief tutorial of your lesson 3rd, our changing earth. Our changing earth means hamari badalti dharti. The earth is a dynamic planet. Hamari dharti bahut hi gatishil grah hai. It is constantly undergoing changes inside and outside. Yah hamesha satat roop se अंदर और बाहर दोनों ओर से हमेशा इसमें परिवर्तन होता रहता है या बदलती रहती है. द अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन अप इन टू सेवरल प्लेट्स. धरती की जो ऊपरी सतह है लिथोस्फीयर जो है वो कई टुकड़ों में बटी हुई है या कई प्लेट्स में बटी हुई है. फ्लोट ऑन द सॉफ्ट मोल्टन लेयर ऑफ मेंटल, जो अंदर के मेंटल के ऊपर जो पिघला हुआ मेंटल है उसके ऊपर ये फ्लोट कर रही है यानी बह रही है. एज द प्लेट्स मूव फ्रॉम दे पुश पुल स्लाइड राइज सिंक बेंट एंड ब्रेक. जब प्लेट एक दूसरे के ऊपर घूमती हैं तो ये एक दूसरे को धक्का देती हैं, एक दूसरे को धकेलती हैं, एक दूसरे के ऊपर खिसकती है या तो ऊपर उठती हैं या नीचे की ओर डूब जाती हैं, मुड़ जाती हैं या टूट भी सकती हैं. These plates are called tectonic plates. इन प्लेटों को tectonic plates कहते हैं, जैसा कि आप दिए गए चित्र में देखेंगे. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. पृथ्वी की इन गतियों के कारण या इन प्लेट्स की गतियों के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं धरती की सतह में. As volcanic activities, earthquake and क्रिएट मेजर लैंडफॉर्म, यहाँ तक कि इसके कारण ज्वालामुखी सक्रिय होता है, भूकंप आता है और बहुत सारे जमीन के अलग अलग प्रकार बनते हैं. द अर्थ मूवमेंट्स काउजेज बाई द फोर्सेज ऑफ टू काइंड्स, और धरती की जो ये गतियां होती हैं इसमें दो प्रकार के बल काम करते हैं. द फोर्सेज विच एक्ट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर एंडोजेनिक फोर्स, वे शक्तियां जो धरती के अंदर की ओर परिवर्तन का या गति का काम करती है उन्हें अंतर्जनित शक्तियां कहते हैं. द फोर्सेज वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर एक्सोजेनिक फोर्सेज, और वे शक्तियां जो धरती की ऊपरी सतह पर लगती हैं और उसके मूवमेंट में मूवमेंट को बनाए रखती हैं उन्हें एक्सोजेनिक या बहिर्जनित शक्तियां कहते हैं. अर्थ मूवमेंट को आप इस चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण दो प्रकार के बल होते हैं, एक सडन फोर्स यानी कि आकस्मिक बल जो अचानक लगते हैं उसके कारण अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड होता है, और दूसरा है डायस्ट्रोफिक फोर्स यानी पटल विरूपण बल जिसके कारण माउंटेन्स धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं. जैसा कि हमारे देश का जो हिमालय पर्वत है वो इसी प्रकार का डायस्ट्रोफिक फोर्स के कारण बना है, जो धीरे धीरे जमीन ऊपर उठती जाती है और ऊंचे पहाड़ बनते जाते हैं जिसको वलय पर्वत भी कहते हैं. एंड द सेकेंड फोर्स इज एक्सोजेनिक फोर्स. एक्सोजेनिक फोर्स जो बहिर्जनित बल है जो धरती की सतह पर जो परिवर्तन होते हैं वे इरोजनल एंड डिपोजिशनल होते हैं, यानी एक तरफ से धरती की सतह टूटती फूटती है और दूसरी तरफ वो टूटा फूटा हुआ जो है टूटा फूटा अवशेष जो है वो एक जगह जमा होकर के डिपोजिट होकर के नए नए स्थलाकृतियां बनाती हैं. एज रिवर विंड सी वेव्स एंड ग्लेशियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्सोजेनिक फोर्सेज. एंड द फर्स्ट वी डील विद अर्थ्स मूवमेंट बाय एंडोजेनिक फोर्सेज, धरती की गतियां अंतर्जनित बल के कारण. इसके कारण दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक. ए वोल्केनो इज ए वेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल एरप्ट सडनली एज लावा. ज्वालामुखी धरती के अंदर किसी जो परिवर्तन होता है, जो पिघला हुआ मटेरियल जो है पत्थर जो पिघले हुए हैं वो लावा के रूप में अचानक एक ओपनिंग जिसको वेंट कहते हैं उसके द्वारा निकलने लगते हैं. ड्यूरिंग ए वोल्केनिक इरप्शन गैसेज ऐश स्टीम एंड पीसेज ऑफ रॉक्स कम आउट अलोंग विथ लावा. जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उद्गार में गैसें कई प्रकार की राख भाप पत्थरों के टुकड़े
पिघले हुए पत्थर लावा के साथ बहते हुए निकलते हैं। ग्रेजुअली लावा बिकम सॉलिड अराउंड द वेंट फॉर्मिंग ए वोल्केनिक कोन। धीरे धीरे बाहर निकलने के बाद यह लावा ठंडा होने लगता है और सॉलिड बनने लगता है और यह अपनी जो पाइप होती है जिसके द्वारा निकलता है उसके चारों ओर एक वोल्केनिक कोन बनाता है। द टॉप ऑफ द वोल्केनिक कोन हैज डिप्रेशन कॉल्ड क्रेटर और वोल्केनिक कोन के ऊपर एक गड्ढा बन जाता है जिसे क्रेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट एटना इन सिसली, इटली में माउंट एटना है जो सिसली द्वीप पर है। किलिमंजारो इन तंजानिया, तंजानिया में किलिमंजारो एंड माउना किया इन हवाई द्वीप, हवाई द्वीप में माउना किया। ये तीनों एक्टिव वोल्केनो हैं। वोल्केनो फॉर्म्स वोल्केनिक आइसलैंड इन ओशन। अगर समुद्र में यह ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहां पर कई प्रकार के छोटे छोटे आइसलैंड यानी द्वीप भी बन जाते हैं। एंड द सेकेंड इज अर्थक्वेक, द सडन एंड वायलेंट शेकिंग और वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सर्फेस कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। कभी कभी अचानक धरती हिलने लगती है या उसमें कंपन होने लगता है और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनमें मूवमेंट होने लगता है। द प्लेट्स इन साइड क्रस्ट वेयर द वाइब्रेशन स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। और वह स्थान धरती की भूपरपटी के ठीक नीचे जहां ये कंपन शुरू होता है उसे फोकस या केंद्र कहते हैं। द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और वह स्थान जो धरती के ऊपर है ठीक केंद्र फोकस के ठीक ऊपर उसे एपिसेंटर या ऊपरी केंद्र कहते हैं। अर्थक्वेक काउज चेंज इन द लैंडफॉर्म, क्रैक्स लीड टू लैंडस्लाइड एंड काउज जेंट वेव्स इन द ओशन। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के कारण जमीन की आकृति में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देखेंगे सड़कों में दरार पड़ जाती है, जमीन फट जाती है, कहीं कहीं लैंडस्लाइड होता है यानी भूस्खलन होता है। और अगर समुद्र में अगर भूकंप आया हो तो वहां समुद्र की तरंगे बहुत तेजी से उठने लगती है जिसे सुनामी के रूप में भी हम जानते हैं। एंड द सेकेंड इज अर्थ मूवमेंट बाय एक्सोजेनिक फोर्सेज, यानी कि धरती की वे गतियां जो बहिर्जनित बल के कारण होती हैं। द लैंड सर्फेस आज कंटिन्यूसली वर्न अवे बाय टू फैक्टर्स वेदरिंग एंड इरोजन। धरती की सतह लगातार दो कारणों के कारण, दो बलों के कारण हमेशा टूटती फूटती रहती है जिन्हें वेदरिंग और इरोजन कहते हैं। व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस। वेदरिंग का अर्थ होता है मौसम के कारण, मौसम में परिवर्तन के कारण यानी धूप वर्षा पानी आदि के कारण जमीन पर जो पत्थर के टुकड़े हैं वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते चले जाते हैं जिसे वेदरिंग कहते हैं। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड सरफेस बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर विंड एंड आइस। इरोजन यानी अपरदन, इस अपरदन में भी जमीन की टूट फूट होती है जैसे पानी के बहाव के कारण, हवा के बहने के कारण या बर्फ पिघलने के और खिसकने के कारण धरती पर बहुत ज्यादा अपरदन होता है, तोड़फोड़ होती है जिसे इरोजन कहते हैं। मेनी लैंडफॉर्म्स आर मेड बाय इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ लैंडस्केप बाय एक्सोजेनिक फोर्सेस। धरती पर बहुत प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं इरोजन और डिपोजिशन के कारण। इरोजन यानी टूटना फूटना, डिपोजिशन यानी उस टूट फूट का एक जगह एकत्र होना या जमा होना, जिसके कारण इन एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण धरती पर जमीन की आकृतियां बदलती रहती हैं। एंड दे आर रिवर, सी वेव्स, आइस एंड विंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ मूवमेंट एंड इरोजन। एंड द फर्स्ट वर्क ऑफ ए रिवर, व्हेन द रिवर टंबल्स एट ए स्टीप एंगल ओवर हार्ड रॉक्स और डाउन ए स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल। जब नदी खड़ी ढाल से होकर के ऊपर से नीचे गिरती है और कड़े पत्थरों पर सीधे एंगल बनाते हुए गिरती है, इसे ढाल वाली घाटी का निर्माण होता है और वह नदी फिर जलप्रपात के रूप में गिरने लगती है। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मिंडर। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में से होकर गुजरती है तो मैदानी क्षेत्र में कई जगह मोड़ और घुमाव आते हैं जिसके कारण बहुत नदी का बहुत बड़ा जो क्षेत्र होता है वो मुड़ जाता है जिसके कारण घुमावदार नदी बन जाती है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मिंडर
लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ कॉल्ड ऑक्सबो लेक, और इस प्रकार घुमावदार नदी बन जाने के कारण कुछ समय के बाद यह इसका जो घुमावदार लूप होता है नदी का वह कट कर अलग हो जाता है और नदी अपना कोर्स बदल लेती है और जो बचा हुआ भाग होता है उससे ऑक्सबो लेक यानी घुमावदार झील का निर्माण वहां हो जाता है। ड्यूरिंग फ्लडिंग द रिवर डिपोजिटेड लार्ज लेयर ऑफ सिल्ट अलोंग इट्स बैंक, जब बाढ़ आती है तो नदियां अपने साथ बहुत सारे मिट्टी और गाद बहा करके ले जाती है और उनकी लेयर्स बिछा देती है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल प्लेन कॉल्ड फ्लड प्लेन, और इस कारण जब बाढ़ खत्म होता है तो वहां मिट्टी की जो परत होती है वो नीचे जम जाती है और इस प्रकार एक बहुत ही उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है जिसे बाढ़ के मैदान कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स एट द माउथ ऑफ रिवर फॉर्म्स अ डेल्टा, और जब यह नदी समुद्र में मिलने जाती है तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट या सिल्ट लेकर जाती है और वो जब समुद्र में मिलने से पहले उसका बहाव इसी कारण बहुत धीमा हो जाता है क्योंकि उसके साथ बहुत सारे सिल्ट होते हैं तो ये कई भागों में बढ़ जाती है और कई शाखाओं में बढ़कर जब ये समुद्र में मिलती है तो वहां एक ऐसी स्थलाकृति का निर्माण होता है जो त्रिकोणाकार होता है जिसे डेल्टा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, भारत का सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। एंड द सेकेंड वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी समुद्र के तरंगों के कारण क्या क्या निर्माण होता है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, समुद्र की लहरों का अपरदन और उनके द्वारा होने वाला जमाव के कारण समुद्र के किनारे कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ड्यू टू सी वाटर मोशन सी वेव्स मोशन केप्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स अंडर सी आर कॉल्ड सी केप्स, समुद्र में लहरें बहुत तेज होती हैं और काफी बड़ी लहरों के कारण पत्थरों पर बार बार टकराने से अंदर ही अंदर चट्टान कटते चले जाते हैं और उनसे सी केव्स या समुद्री गुफाओं का निर्माण हो जाता है। एज हॉलो कैविटीज बिकम बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन दस फॉर्मिंग सी आर्च, और जब ये गुफाएं और भी खोखली होती चली जाती हैं लहरों के मोशन के कारण सी वेव्स की चोट से तो वो और भी बड़ा होकर के सिर्फ ऊपर में छत के रूप में थोड़ा सा पत्थर बच जाता है जिसे सी आर्च बन जाता है। द इरोजन फर्दर ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट इज कॉल्ड स्टेक्स, और बार बार फिर अपरदन होता है और ऊपर की जो रूफ थी वो भी सी आर्चेज भी गिर जाती है और केवल दीवार बच जाती है जिसे स्टेक्स कहते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, और समुद्र के किनारे चट्टानों से इस प्रकार बनी आकृतियों के बाद चट्टाने बिल्कुल खड़ी बच जाती हैं, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती हैं समुद्र के किनारे, तो उन्हें सी क्लिफ या खड़ी चट्टान कहते हैं। एंड द थर्ड इज वर्क ऑफ आइस, यानी कि बर्फ के कारण होने वाले लैंडफॉर्म, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, ग्लेशियर जो बर्फ की नदी होती है वह पहाड़ों पर से जब गिरती है तो बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा करके और एक जगह मिट्टी को जमा कर देती है और पत्थरों को भी नंगा कर देती है और जिससे सॉलिड जो रॉक होते हैं वो नीचे बच जाते हैं, ऊपर की मिट्टी बह जाती है। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर लाइक स्मॉल एंड बिग रॉक सैंड सिल्ट इटीसी गेट्स डिपोजिटेड, दिस डिपोजिट्स फ्रॉम ग्लेशियल मोरेन्स, जब पहाड़ों पर से यह बर्फ की नदी यानी ग्लेशियर बहती हुई उतरती है तो छोटे बड़े पत्थरों बालू और गाद को जब ले जाती है बहाकर तो उसे ढलान पर एक जगह जमा कर देती है और इस जमे हुए मलबे को ग्लेशियल मोरेन कहते हैं। एंड द फोर्थ इज वर्क ऑफ विंड, यानी हवा के कारण होने वाले लैंड बनने वाले लैंडफॉर्म, विंड इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन डेजर्ट, डेजर्ट में आप जानते हैं कि चारों ओर बालू ही बालू होता है और वहां
बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इस कारण वहाँ हवा बहुत तेज चलती है और इस कारण वहाँ बहुत ज्यादा इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है। इट मेक्स रॉक्स इन शेप ऑफ ए मशरूम कॉल्ड मशरूम रॉक। अगर ये चट्टानी सतह पर होता है तो हवा इन चट्टानों को इस प्रकार काटती है कि वो मशरूम के आकार का बन जाता है, जिन्हें मशरूम रॉक्स कहते हैं। When the wind stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill like structure. These are called sand dunes. और बालू वाले डेजर्ट में जब हवा बहना रुक जाती है तो बालू क्या होता है कि हवा के साथ जो उड़ रही थी वो वही जमा हो जाता है और एक छोटी पहाड़ी के रूप में का स्ट्रक्चर बनाता है और इसे सैंड ड्यून या बालू के टीले कहते हैं। और ये बालू के टीले हमेशा अपनी जगह बदलते रहते हैं ड्यू टू विंड, यानी हवा के कारण। जब हवा बहती है तो ये उन्हें उड़ाकर ले जाती है, जब रुकती है तो ये उन्हें वहीं जमा कर देती है। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over long distances. जब बालू के कण बहुत महीन होते हैं और हल्के हो जाते हैं, हवा इन्हें अपने साथ बहुत लंबी दूरी तक उड़ा कर ले जाती है। When such sand is deposited in large area, it is called loess. और जब ये बालू, महीन बालू जाकर के बहुत बड़े क्षेत्र में जाकर हवा जमा कर देती है, इसे loess कहते हैं। And the movement of earth and is finished, and in this chapter our changing earth, that's all. Thank you.